हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। लास्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और उस पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स किए थे। आज उनकी और एप्लीकेशंस करते हैं। आइए, बेसिकली एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। सभी स्टूडेंट्स हमने देखेंगे, यस टिल नाउ। एक तो ये किया आपने कि ऑर्डर ऑफ इक्वल टू आर का क्या मीनिंग है। यस, आर शुड बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग ए पावर आर इज बी। अब उसको दो दो में सेपरेट करके कैसे लिखा जाता है वो आपने कल सीखा। बिकॉज जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक कोई रिजल्ट आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज इफ ओनली फर्स्ट कंडीशन इज ए रेज टू पावर आर शुड बी आइडेंटिटी एंड द सेकेंड कंडीशन इज इफ बाई चांस ए पावर के इज आइडेंटिटी जहाँ की के जेड प्लस में, तो किसको छोटा होना चाहिए? आर को छोटा होना चाहिए। कल हमने बहुत किया है एंड आई होप आप वो सब सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। तो ये इस तरीके से ऑर्डर शो किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, अगेन द लास्ट क्लास, ये रिजल्ट तो भूलने लायक नहीं है। क्या था? हाँ, ये इसका प्रूफ कराया है। ये बहुत क्लासिक रिजल्ट है। आई होप आप लोग प्रूफ भी समझ गए होंगे और करके आए होंगे। और मैंने कल इसका सिग्निफिकेंस भी आपको बताया कि क्यों सिग्निफिकेंट है। इट यस थ्रू दिस वी आर वेल इट इनेबल्स अस टू फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए थ्री, ऑर्डर ऑफ ए फाइव, ऑर्डर ऑफ ए सेवन सब निकल आएंगे। ना सिर्फ पॉजिटिव पावर्स, नेगेटिव का भी। ऑर्डर ऑफ ए माइनस सेवन, ऑर्डर ऑफ ए माइनस फाइव, याद है आप लोगों को? नेक्स्ट। दूसरा सबसे मतलब क्या कहें भाई, ये चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। मैं आज आई थिंक थर्ड क्लास है जिसमें ये बात हो रही है। देखिए, इन जनरल ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर। तो ऐसा इक्वल कब होगा वो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। कल वाली क्लास का लास्ट थ्योरम वेल दो जो दो चार हमने रिजल्ट्स किए थे उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट क्लास का लास्ट रिजल्ट ही है। सो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी होने के लिए क्या होना चाहिए? सो ऑर्डर ऑफ ए बी, हाँ जी, आपने स्टेटमेंट तो पढ़ा नहीं या देखा नहीं ढंग से। सो दिस इज इफ, पहली बात ए बी बी ए के बराबर होना चाहिए, स्टेटमेंट में यही था। और दूसरा ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी को प्राइम, को प्राइम, हाँ जी, हाँ जी। जब ये दो कंडीशन मैच करेंगी मिलेंगी तब जाके ये हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये प्रूव किया है हमने, ये स्टेटमेंट याद रखिए। अच्छा, मैं ये ऐसे जस्ट पढ़ा के छोड़ना नहीं चाहता। देखिए सर, ऑल ऑफ यू, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ? देखिए रिक्वेस्ट है, अरे वेल ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखिए ए बी बी ए तो इक्वल हैं बिकॉज जी एबिलियन, लेकिन इनके ऑर्डर्स आपस में को प्राइम नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी ना तब जाके, तभी आप ऑर्डर ऑफ ए बी 24 अभी नहीं कह सकते, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए, मान लीजिए ए कॉमा बी जी के मेम्बर्स हैं, ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ऑर्डर ऑफ बी 5 है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड ऑल ऑफ यू प्लीज। हाँ जी, कैन आई कंक्लूड कि इसका ऑर्डर 10 हो गया? वो भी नहीं कर सकते। अब ये वाला कंडीशन तो है लेकिन ये नहीं है, समझ रहे हैं ना? देख तो लीजिए, दोनों चीजें साथ में बैठी होनी चाहिए। हेलो, आर यू लिसनिंग? यस। मान लीजिए ए बी बी ए के बराबर है, ऑर्डर ऑफ 9 8, अब सब कुछ हो गया, ए बी कम्यूट कर रहे हैं आपस में और इनके ऑर्डर्स भी को प्राइम है, तो इमिजिएटली क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ बी, दैट इज 72। सो प्लीज ये जो चीज़ें समझाई गई हैं अच्छे से समझ लीजिए। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक आप पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ इन्हीं ये होने से ही होगा, जनरल भी हो सकता है, लेकिन ये होने से पक्का हो जाएगा। वी आर वेरी मच श्योर कि ये दोनों तो दे देंगे ये चीज़। तो पहले वाले में आपका को प्राइम नहीं था, दूसरे वाले में आपका ए बी बी ए कम्यूट नहीं कर रहे थे, तीसरे वाले में सब कुछ है। क्लियर हो गया आपको? नाउ कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स, ये लास्ट क्लास से हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया है। अब आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए।
डू इट एवरीवन। ज़्यादा टाइम नहीं खराब करिए, हाथ चलाइए जल्दी। वन टू थ्री इस लास्ट क्लास याद करेंगे, आपको बार बार ये चीज़ बताई जा रही थी, अगर एक्स का 10th पावर आइडेंटिटी है तो जो बच्चा ये लिखता है उसको कुछ आता ही नहीं है, जो भी समझो उसको कुछ आता ही नहीं है। क्या आप ये लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एक्स 10? नहीं, उसकी जगह क्या लिखना चाहिए हमें बोलिए? डिवाइडेड डिवाइड 10 ऑर्डर ऑफ एक्स। और ये हॉरिजॉन्टल प्लस का ध्यान रखिए। हो गया, आइए ए पावर 6 इज आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड 6 विच इन टर्न्स इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज 1 और 2 और 3 और 6। सिंपल क्वेश्चन, बस यही है, इतना नहीं है। नेक्स्ट, अगला बहुत क्लासिक है। सोच समझ के करिए। प्रॉब्लम 2, देखो भाई मैं टाइम नहीं खराब कर सकता। एवरीवन, इसमें क्या रिजल्ट लग रहा है? कल कराए आप लोगों को, ये तो आप भूलेंगे ही नहीं। HCF ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एन, इधर साथ है ये। यस, पहला ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर, नो टाइम टू वेस्ट, इट इज ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड बाय GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स कॉमा टू, एक्स क्यूब डिवाइड बाय GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स कॉमा 3, अगला आएगा ऑर्डर ऑफ कितने एक्स। ओके, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। ये पहले वाला 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड 2 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 डिवाइडेड बाय 6.5। ठीक है ना, यू नो व्हाट टू डू। ओके ओके, मेंशन कर दीजिएगा ये रिजल्ट। हाँ जी, आर यू पीपल डूइंग? यस नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक दो लिख लीजिए, आराम से हो जाएगा। करो तो सही, यही तो देखना है आप लोग। सब कुछ बता ही देंगे, बताएंगे तो बताने के लिए तो लिखा है।
लिखा क्यों है? नहीं बताना होता तो डिस्कस ही क्यों करते? बट पहला आप करिए ना, पहले हथौड़ा आप चलाइए। यस, आई इक्वल टू टू पर नाइन ऑर्डर ऑफ वाई स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ वाई डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ वाई कॉमा टू हो जाएगा ना। सो इट इज 9 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 9 इनटू दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 9। भाई सारा हो जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? यस सर, यू कैन डू ऑल, सब हो जाएगा। हेलो, यस सर, नेक्स्ट। थर्ड प्रॉब्लम है, फोर्थ है क्या? है फोर्थ। हाँ जी, एग्जाम में आया हुआ है दो बार ये क्वेश्चन, दो बार एग्जाम में आया हुआ है। करिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई एंड एक्स पावर सिक्स इज ई, देन शो दैट। करो करो, आप करो। मैम मैम, सर को भेजना जरा एक बार। हाँ जी, आप लोग ट्राई कर रहे हैं? हेलो, आर यू पीपल ट्राइंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए, करते रहिए। जरा हम कैमरा ठीक कर रहे हैं अभी। सर ये कट क्यों रहे हैं? उधर वाला क्यों नहीं लिखा हुआ रहा? थोड़ा कैमरा देखो, एक मिनट रुको रुको रुको, देखो पहले उधर देखते रहो। ये देखो देखो, सही कुछ नहीं कर रहा, ऐसे कर दो हल्का सा, ठीक है? उधर से कुछ लगा दो नीचे। नहीं नहीं हो जाएगा बस, ठीक है, बेटर मत, बेटर चल जाएगा। बस बस परफेक्ट, बस बस ठीक, ओके ओके ठीक है। हाँ जी, कहाँ तक पहुँची गाड़ी, हुआ कुछ? हेलो हेलो, आर यू देयर? चले गए सब? देखिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा क्या क्या गिवन है। सेकेंड पावर आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन सिक्स पावर आइडेंटिटी के बराबर है। आपको शो करना है चौथा पावर आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अच्छा, देखिए ज़रा सॉल्यूशन।
स्टेप वन टू थ्री जैसे भी करिए, इफ पॉसिबल सपोज एक्स पावर फोर इज आइडेंटिटी। हाँ जी, अगर एक्स पावर फोर आइडेंटिटी है, 07 है ये, दैट इज एक्स पावर सिक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो आइडेंटिटी नहीं है, यानी वेल यू कैन सी क्या होने होने वाला है, ये सॉरी क्लियर हो गया आपको, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर नहीं है ना, दिया तो है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। जी स्टूडेंट समझ में आ गया, यही वाला काम करना था, साथ साथ कॉपी ना करें, उससे आप ही का नुकसान होगा, अभी राइट नाउ कॉपी की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब एक्स पावर फोर आइडेंटिटी नहीं हो सकता, हो गया। नेक्स्ट अगला देखेंगे, फिफ्थ पावर के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप वन टू थ्री बना के लिख लीजिएगा या लाइन डाल के भी लिख सकते हैं, सेपरेशन लाइन। नेक्स्ट इफ पॉसिबल सपोज एक्स का पांचवा पावर आइडेंटिटी है, अगर इसका पांचवा पावर आइडेंटिटी है तो एक्स एक्स फाइव यानी एक्स ई, दैट इज एक्स पावर सिक्स इज एक्स, दैट इज एक्स पावर सिक्स इज नॉट इक्वल टू, लेट मी टेल यू, अभी बताएंगे क्यों नहीं है। तो अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा ये क्यों, ये ई क्यों नहीं है भाई, ये ई इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स ही नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर, उसके लिए भी सुनिए, अगर एक्स ई होता तो एक्स का स्क्वायर भी होना चाहिए था। अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं, सो दैट इज नॉट ट्रू ना, अगर एक्स का कोई पावर आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तो एक्स तो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। सबको क्लियर हो गए, तो चौथा पावर भी पॉसिबल नहीं है, पांचवा भी पॉसिबल नहीं है। अब जो भाई भाई लोगों ने पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट ऑर्डर ऑफ एक्स, अब व्हाट कैन यू से, तो आप बोल ही सकते हैं फाइनली। हाँ जी, आप सभी महान आत्माएं सामने आ जाए। यस माय डियर, एक्स का छठा पावर आइडेंटिटी था, तो जो आपने कल और आज में पढ़ा है जरा सब लगाओ, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स सिक्स होगा या डिवाइड करेगा, सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स या तो वन होगा माय डियर, या टू होगा माय डियर, या थ्री होगा माय डियर, या सिक्स होगा माय डियर। हाँ जी, आप सभी लोग आ जाइए, अगर ऑर्डर ऑफ एक्स वन हुआ तो यानी एक्स इज आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक्स आइडेंटिटी होता तो एक्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी होना चाहिए था। लाइक वाइज ऑर्डर ऑफ एक्स इज टू इज नॉट पॉसिबल, तो मना ही कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, थ्री एंड सिक्स, इज दैट ओके, या नेक्स्ट पेज पे लिखूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ ये चीज़ में, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। हाँ जी, वो जो लास्ट में शुरू किया था, एक्स पावर सिक्स इज आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड सिक्स, नॉट ऑर्डर ऑफ एक्स इज वन, दिस इम्प्लाइज एक्स इज ई, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज ई, विच इम्प्लाइज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इज दैट ओके। अरे कुछ बोल भी दीजिए, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज ई, विच इम्प्लाइज अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट थ्री और सिक्स तो पॉसिबल नहीं, देयरफॉर ईदर उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ऑर्डर ऑफ एक्स इज थ्री और ऑर्डर ऑफ एक्स इज सिक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, लिख लीजिए प्रॉपरली, लिखना शुरू कीजिए एक एक चीज। स्टूडेंट्स डन,
ये बाद में लिख लीजिएगा, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम लिख लेना, कोई बात नहीं। अगला प्रॉब्लम थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आओ भाई, थोड़ा सा चैलेंजिंग। कॉपी कर लीजिए प्रॉब्लम। ये स्टूडेंट्स प्लीज स्टॉप राइटिंग, बहुत लिख लिया आप लोगों ने, अभी तो शुरू किया है सर। अब आपने जो भी किया थैंक यू वेरी मच। क्या था ये, इसका पहला पार्ट मैं आपको 2 क्लासेस पहले करा चुका करा दिया है, बिल्कुल कराया है आप लोगों को अगर याद है तो। हाँ जी, जिस दिन ये किया था आपने, बी इनवर्स ए बी होल पावर एन, ए बी होल पावर एन, एन इंटीजर, याद करिए ज़रा। ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी ज़ीरो पॉजिटिव, हाँ जी, वो सब सब कुछ कराया हुआ है। अब बच्चे की जिम्मेदारी है कि जो कराया है उसको तो ढंग से कर लें, तो तभी आपको ये भी करके बताया गया था। और मैंने 2 के लिए स्पेशली आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे कॉस 2 थीटा हो जाएगा, वहाँ साइन 2 थीटा बताया है, क्लास में सब बताया आपको। मान लो एग्री करते हैं, पहला पार्ट हो चुका है। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में ये पूरा क्वेश्चन आता है तो आपको वही 2 स्टेप्स में काम करना है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में ये स्टेब्लिश करेंगे, स्टेप 2 में ये ऑर्डर निकालेंगे। अब ज़रा आइए, ये पहले वाला देख के बताइए। यस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका अगर 10th पावर लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल किस, कॉस 10 थीटा माइनस साइन, है ना, प्रूव किया हुआ है आपने। हेलो, आर यू देयर? ठीक है, इधर आइए ऑल ऑफ यू। ये वाला मैट्रिक्स देखिए, ध्यान से देखिएगा, खबरदार किसी ने उल्टी सीधी बातें की तो। A is equal to, सभी बच्चे सामने देखें, A is equal to cos 60 minus sin 60, sin 60 cos 60। मुझे सिंपली इसका ऑर्डर निकालना है, यानी इसका पहला पावर, दूसरा पावर, तीसरा पावर, चौथा पावर, पांचवा पावर, छठा पावर, सातवां पावर, जो भी पावर है, सबसे पहले जो भी आइडेंटिटी आ जाएगा 1001, वही ऑर्डर डिक्लेयर हो जाएगा। Am I right? Hello? ऐसे रैंडमली देख लेते हैं, देख लेते हैं, आइए जरा। हाँ जी, इसका पहला पावर तो ये बेचारा खुद ही है, इसका दूसरा, जैसे यहाँ 2 लगेगा तो 120 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा यार, कुछ बता भी दिया करो। हाँ जी, थर्ड पावर में 180, देखते रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे ही हैं। पाई मतलब, एंड यू नो, जस्ट वेट, व्हाट इज कॉस, ओहो, कॉस पाई इज नॉट 1, कॉस पाई इज -1, एम आई राइट? यस सर।
हाँ हमें वन चाहिए, प्लस में वन चाहिए। क्या कॉस 121, वो तो वन होता ही नहीं, छोड़ दो। कॉस 180 बेचारा वन के पास जाते जाते बहुत पाताल में चला गया। अच्छा फोर्थ पावर में आ जाएगा 60 × 4 = 240। व्हाट इज कॉस 240? अरे होता होगा कुछ, वन तो नहीं होता ना, नहीं होता। फिफ्थ में आई थिंक आप बात समझ गए, समझ गए? कितने लोग समझ गए? यस धन्यवाद आप सबका समझने के लिए। तो मैं, मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, मैं ही तुम्हें थैंक यू बोला जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। यस, कितना पावर लेना पड़ेगा? सिक्स सिक्स ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री फोर फाइव, इसमें से कोई भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। बट ए सिक्स अच्छे से लिखेंगे ना, सजा सजा के। हाँ जी बोलिए। अभी भी लग रहा है कुछ बच्चे बस कॉपी करने में मस्त है। अरे कुछ सीख भी लो यार, कॉपी करते रह जाओगे। हाँ तो दिस इज 1001, तो देयर फॉर ये ऑर्डर के लिए मॉड वाला सिंबल मैट्रिक्स में यूज नहीं करेंगे आप। आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एस कितना? सिक्स जस्ट वेट फॉर सिक्स इट। हाँ, अरे झंडे गाड़ दिए तुम लोगों ने यार आज। ये है आपका, इधर इसको ऑर्डर बता दीजिए। किसी ने गलती की तो यहाँ तो सजा भी नहीं दे सकते आपको, इन ऑब्जर्व करना है ना आपको। फोर यस, कितना पावर लेंगे? फोर ये फोर 2π आ जाए, 360 आ जाए, फोर 4 आएगा ऑर्डर। बहुत बढ़िया जी, कमाल कर दिया आपने। इतने आएगा? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। समझ गए ना? नो व्हाट टू डू यस नाउ, प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। ये अभी लिख लीजिएगा, ये तो बहुत अच्छा हो गया जो भी है। अब सुनो भैया, मैट्रिक्स देख लीजिए, दोनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। अभी ये नहीं कि सर आपने ये कराया था और ये आ गया उठ के और बस सर कोई बुरा भला बोल रहे हैं सारा, हम सब चीज़ें नहीं ले सकते। मैट्रिक्स चाहे ऐसा हो, तैयार रहिएगा। बड़ी क्लासेस में जाके आपको इसका ओरिजिन भी समझ में आएगा, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। यस, देयर कैन बी अ माइनस साइन हियर, देयर कैन बी अ माइनस साइन हियर। फर्क समझ में आ गया? हेलो, मेन डायगनल चेंज नहीं होगा, नॉन डायगनल जो है वो प्लस माइनस का साइन कैरी करेंगे। तो ये दोनों मैट्रिक्स में, दोनों में सेम चीज़ होनी है। वही इसका nth पावर भी सेम होगा, उसका ऑर्डर निकालेंगे तो भी सेम आएगा। बट तैयार रहिएगा इन दोनों चीज़ों के लिए। हाँ, दोनों जगह माइनस नहीं हो सकता या दोनों जगह प्लस नहीं हो सकता, ये ध्यान रहे। अच्छा, जी एल में होने के लिए, एस एल में होने के लिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए? इसमें होने के लिए एसएल में वन, होने के लिए 1 होना और चाहिए, यहाँ जीएल में होने के लिए 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ ज़रा बताइए दोनों केसेस में डिटरमिनेंट क्या आएगा? हाँ बताओ यार जल्दी, समझ में आ गया? दैट इज, हाँ दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई। अब ये जी एल का मेम्बर भी है, ये एस एल का मेम्बर भी है, इसलिए ये साइंस सेम नहीं हो सकते। अगर सेम साइन होता तो कॉस थीटा क्या आएगा भाई इसका डिटरमिनेंट? हमें क्या पता क्या आएगा, वन तो नहीं आएगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है आपको? तो दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस एल। जी एल में है भी या नहीं हमें वो भी नहीं पता, छोड़ दीजिए। चलिए
निकालिए अपना पेन। इससे अगला क्वेश्चन भाई वो 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। 5 मार्क का तो ये भी है, मेथड वगैरह सब समझ में आ गया ना, बाद में कॉपी कर लेना यार, मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो शायद 40 मिनट्स का कुछ जूम वूम में चक्कर तो नहीं, कुछ लग तो नहीं रहा ना वहाँ पे। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, अरे लिख लो फिर फिर क्या टेंशन, लिखो फोटो ले लो। चलो देखो मैं एक्चुअल में मैंने थोड़ा क्लास लेट कर दिया था, तो आगे की क्लासेस फिर और डिले हो जाएगी। समझ तो गए ना आप लोग, समझाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ टुडेज क्लास, एंड अगेन मैं वही कहूँगा थोड़ा कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ये नहीं कि सर 2 घंटे की क्लास नहीं हुई और 3 घंटे की क्लास नहीं हुई। देखिए वो मतलब बेकार की चीज़ें करने से अच्छा है काम की चीज़ें कर ली जाएँ, तो थोड़ा सा कंटेंट अगर मिल जाता है ना, हीरा हीरे का टुकड़ा जरा सा ही होता है लेकिन बहुत कीमती होता है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? यस भाई, दिस वन इज वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, और 100% आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूरा पढ़ो यार, पूरा सॉल्व करोगे तभी तो काम चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये द मोस्ट क्लासिक प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक प्रॉब्लम। देखिए एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड, ये मैं करा देता हूँ फिर आप चले जाइएगा। हाँ सही सुना, आज बस इतना ही टॉर्चर होगा आपका। देखिए पहले वाले तो आपको कराया जा चुका है, और आपको शायद वो कलर भी याद होगा, कलर याद नहीं है तो याद दिला देते हैं, देखिए अभी कैसे याद रहेगा। याददाश्त वापस आ रही है, शाबाश, आप ही हमारे स्टूडेंट हैं। कहाँ मिलेंगे फिर आप तो बता दीजिए, आया कुछ याद देख के? Yes. यही देखने, यही मैंने याद करने के लिए बोला था कि एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इनफिनिट, तो यही है, ये तो सबको पता है, लेकिन अब उसने आगे जाल बिछा दिया और आप उसमें फंस रहे हैं। सब लोग सामने आइए, सॉल्यूशन। हाँ जी, इन एस एल टू आर क्लियरली ए पावर एन इक्वल टू 1n01, सबको याद है, which is never equal to 1001, so that is order of a is not finite। ये मैं आपको अलग अलग तरह से बता चुका हूँ, बार बार आपके सामने आ रहा है। अब ये एस एल टू जेड पी क्या है, ये ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत क्लासिक है भाई। एवरी वन आइज ऑन द बोर्ड, एस एल टू जेड थ्री, एस एल टू जेड फाइव, समझ में आना होगा तो इतने में ही आ जाएगा, नहीं तो कभी समझ में आएगा ही नहीं। जो साथ दीजिए, यस Z3
आना Z7 यानी मॉड्यूलो कितना 14 या 7 मॉड्यूलो 14 या 7 7 से रिड्यूस कीजिए 2 2 3 1 सबको क्लियर है यू नो उसके हिसाब से काम होता है अब आओ जब इतना क्लियर है तो मॉड्यूलो यहाँ मॉड्यूलो 3 लगेगा वहाँ 5 लगेगा जरा यहाँ देखिए आंखें खोल के रखिएगा अपनी आंखें व्हाट इज सेकंड पावर ओहो हाँ जी व्हाट इज थर्ड पावर 1301 प्लीज वेट फॉर अ सेकंड मॉड्यूलो 3 कैन नॉट बी रिड्यूस्ड कैन नॉट ये तो कमाल ही हो गया भाई ये कमाल ही तो दिखाने के लिए आपको क्वेश्चन बताया है आइए जरा यहाँ ए पावर 1 सेकंड पावर थर्ड पावर फोर्थ पावर ये मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हाँ जी हाँ जी ये बाकी बच्चे ग्रेजुएशन कैसे कर रहे हैं या कैसे करेंगे भगवान जाने चलिए कोई बात नहीं उन्होंने नए फ्रेंड्स ढूंढ लिए होंगे मॉड्यूलो 5 से कुछ नहीं रिड्यूस होगा सिवाय लास्ट वाले के दिस विल बिकम 1001 हाँ जी कुछ आपको समझ में आया तो जब Z3 है SL2Z3 है तो इसका ऑर्डर 3 हो गया जब SL2Z5 है ऑर्डर 5 हो गया Z7 में क्या होगा जी क्या होगा 7 होगा 7 होगा तो ZP में क्या होगा कुछ नहीं होगा बस हम कॉपी करके चले जाएंगे और तो कुछ होता नहीं है ठीक है ऐसा अनर्थ मत किया कीजिए क्लियरली ए पावर 1 कॉमा ए पावर 2 कॉमा ए पावर 3 करते करते ए पावर पी माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बट अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है व्हाट इज ए पावर पी 1 पी 0 1 तो दैट वुड बी 1001 मॉड्यूलो कितना लगाएंगे मॉड्यूलो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए एस पी देख लीजिए इसी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ इनफाइनाइट है और इसी एलिमेंट का ऑर्डर वहाँ फाइनाइट है सो यू कैन सी क्या हो रहा है यहाँ पे ये और ये क्वेश्चन किस तरह इम्पोर्टेंट है ठीक है भाई समझ में आ गया सबको चलिए आज इतना काफ़ी है इतना करिए नेक्स्ट क्लास में जल्दी कल परसों मिलते हैं थैंक यू वेरी मच इतना करके आइएगा लेकिन सब समझ में आ गया ना जो पढ़ाए क्लास में कैसे भी कर देखिए डेली डेली थोड़ी थोड़ी दवाई दी जा रही है आप लोगों को प्लीज उसको मतलब इकट्ठा मत करने होने देना पता लगा आप 3-4 क्लासेस का एक बार में पढ़ रहे हैं सब गड़बड़ा जाएगा बहुत धीरे धीरे आराम आराम से क्वालिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगर आप समझ पा रहे हो तो बोलो हाँ ठीक कह रहा हूँ ना यस सर चलिए ठीक है थैंक यू